उसने ये कहा कि अल्लाह भैरा है क्या और अल्लाह सो रहा है क्या। मैं इस बात का कंडम करता हूँ कि मस्जिद के सामने अगर माइक नहीं निकलेंगे तो वहाँ पर हनुमान चालीसवां पड़ेगा। मैं उस स्वामी को बताना चाहता हूँ, हम भी सर पे कफन बांध के निकले हैं, लेकिन इस्लाम की कसम हम संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए खामोश है, नहीं तो तुझे किरदार तक पहुँचा सकते थे, लेकिन हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम खामोश हैं। तू धर्म का अगर फॉलोअर होता तो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई धर्म के बारे में गलत कहने के लिए नहीं कहता, लेकिन तू एक आतंकवादी है और तू एक भगवा कपड़ा पहनकर हिंदू भाइयों को धोखा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है, ये आरएसएस का एजेंट है और हिंदू आतंकवादी का ये काम कर रहा है। कमिश्नर साहब से ये डिमांड किए हैं, उसको शहर गुलबर्गा से तड़ी पार करे, उसको अरेस्ट करे। ट्विटर के पर ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा। हमारे माँ बहने बुरखा पहनकर टोपी पहनकर इलेक्शन में यही कांग्रेस को देते हैं, लेकिन आज कांग्रेस की खामोशी हम लोगों को एक अहम कांग्रेस पार्टी से गुजारिश और अपील करते हैं, ये तमाम यहाँ के जितने हमारे अक्सरियत में वोट लेते हैं वो लोगों को आवाज़ उठाना होगा। इसलिए हम संविधान का सपोर्ट लेते हुए आज गुलबर्गा और एडमिनिस्ट्रेशन के पास और पुलिस कमिश्नर के पास आकर उसके नाम से कंप्लेंट किए हैं। ये मसला का जल्द से जल्द हल नहीं होगा तो हम भी बड़ा सा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक साउंड सिस्टम को लेकर एक विवाद चल रहा है, जैसे हमारे हिंदुस्तान की जो भाईचारे को ख़त्म करने के लिए कुछ हिंदुस्तान के कुछ सियासी पार्टीज हमेशा सिर्फ मुसलमानों के इशू के ऊपर ये लोग अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जैसे अब हिंदुस्तान के अंदर जैसे अजा के ऊपर मसला लेकर माइक को लेकर जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हर जगह यही आवाज़ पर शहर गुलबर्गा में भी। मैं उस स्वामी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नाम निहात एक स्वामी है। शहर गुलबर्गा के अंदर भाईचारे को ख़त्म करने का काम, यहाँ के पीस को ख़त्म करने का काम वो कर रहा है। जैसे अलन के अंदर जो वहाँ पर दरगाह पर जो मसला क्रिएट हुआ, 127 या 100 चिल्लर बच्चे जो जेलों में गए, इसका जिम्मेदार स्वामी है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को ख़त्म करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर कई केसेस बुक हैं। आज जिलानाबाद अवामी इत्तेहाद कमिश्नर ऑफिस आकर अपना एक रेंडम सबमिट कर कमिश्नर साहब से ये डिमांड किए हैं, उसको शहर गुलबर्गा से तड़ी पार करे, उसको अरेस्ट करे, क्योंकि उन 9 तारीख का जो इंटीमेशन दिया है कि मस्जिद के सामने अगर माइक नहीं निकलेंगे तो वहाँ पर हनुमान चालीसवां पड़ेगा। मैं उस स्वामी को बताना चाहता हूँ, अगर तू धर्म का अगर फॉलोअर होता, वाकई में तू धर्म का एक स्वामी होता, तो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई धर्म के बारे में गलत कहने के लिए नहीं कहता, लेकिन तू एक आतंकवादी है और तू एक भगवा कपड़ा पहनकर हिंदू भाइयों को धोखा दे रहा है। अगर तू धर्म का स्वामी होता तो मैं समझता हूँ तू पीस काम करता। वहाँ पर उसके अल्फाज में एक कवि का नाम लेते हुए उसने ये कहा कि अल्लाह भैरा है क्या और अल्लाह सो रहा है क्या। मैं इस बात का कंडम करता हूं, क्योंकि तमाम मुसलमानों के दिल के ठेस पहुंचाने का काम ये स्वामी किया है नाम नियात। मैं उससे हुकूमत से ही चाहता हूं कि जमहूरी अंदाज में हम मुसलमान जमहूरियत को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले, इसलिए खामोश हैं क्योंकि हम भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। हम हमेशा दीन इस्लाम को मानते हैं और हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, इसलिए हम संविधान का सपोर्ट लेते हुए आज गुलबर्गा और एडमिनिस्ट्रेशन के पास और पुलिस कमिश्नर के पास आकर उसके नाम से कंप्लेंट किए हैं। जब तक कमिश्नर साहब उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से तड़ी पार नहीं करेंगे, यहाँ का पीस, यहाँ की भाईचारी अगर ख़त्म होंगी तो इसके जिम्मेदार ये पुलिस डिपार्टमेंट भी हो सकता है। मैं बताना ये चाहता हूँ क्योंकि हर दिन भारतीय जनता पार्टी यही काम मुसलमानों के, सिर्फ माइनॉरिटी के मुसलमानों के पीछे पड़ी है और ये डल्ला है,
ये जो स्वामी है नाम नियाद, ये डल्ला है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है, ये आरएसएस का एजेंट है और हिंदू आतंकवादी का ये काम कर रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर वो मैन डेविड कर ये अपने काम करी है और दिलों में नफरत फैलाने का काम करी है। मैं हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, तुमको भी पैदा करने वाला अल्लाह ही, हमको पैदा करने वाला है, सबका मालिक एक है। तो हम अजान देते हैं, आप भजन गाते हैं, तो आपके भजन से हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हमारे बड़े लोग उलमा इकराम और कायदीन जो अजान के टाइम स्पीकर को वॉल्यूम को कम करे हैं बेंगलुरु ने और कई तरह स्टेट में होंगे, इंशाल्लाह ताला शहर गुलबर्गा में उसके ऊपर काम चल रहा है। और एक बात, ये भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टी जो कर्नाटक में है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का ये काम जिम्मेदारी बनती है कि अक्सरियत में मुसलमानों के वोट लेती है, लेकिन मुसलमानों के इशू आते हैं, जैसे हिजाब का मसला आता है या मस्जिदों का मसला आता है या लन के मसले के अंदर, कांग्रेस का कोई हिंदू लीडर आकर मुसलमानों की ताहिद की बात नहीं किया है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, जब अक्सरियत में आप हमारे वोट लेते हैं तो हमारे मसलों को, हमारे बच्चे जेलों जाने पर हिंदू लीडर कांग्रेस का नहीं बोलता है तो वोट लेने क्यों आते हैं? क्योंकि अपोजिशन पार्टी रहते हुए कांग्रेस यहाँ पर ऐसा दिखता है भारतीय जनता पार्टी मसले को क्रिएट करती है, उसके सपोर्ट में कांग्रेस काम करती है। ट्रिपल तलाक से लेकर अभी तक मुसलमानों पे जितने भी जुल्म, हिजाब से लेकर अभी तक अजान का जो मसला चल रहा है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई हिंदू लीडर आकर इस बात को कंडम नहीं करता है। अपने घरों में एसी में बैठकर जनता के पैसों से गाड़ी खरीद कर वहाँ पर खाली ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा। हमारे माँ बहनें बुरखा पहनकर टोपी पहनकर इलेक्शन में लाइन से कतार लगाकर वोट देकर अब उंगलियाँ चढ़ाते हैं, यही कांग्रेस को देते हैं, लेकिन आज कांग्रेस की खामोशी हम लोगों को एक कृपया अंजाम तक पहुंचा रही है। हम कांग्रेस पार्टी से गुजारिश और अपील करते हैं, ये तमाम यहाँ के जितने हमारे अक्सरियत में वोट लेते हैं वो लोगों को आवाज़ उठाना होगा। हमारे मुस्लिम कायदीन को भी अपनी जो कांग्रेस पार्टी में उनके लिए उन भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये नाम निहाद स्वामी को हम संविधान के दायरे में एक चूहा है, ये बिल में से जब निकलता है आरएसएस कहती है जब से बाहर आता है उससे पहले नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ, हम भी सर पे कफन बांध के निकले हैं, लेकिन इस्लाम की कसम हम संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए खामोश हैं, नहीं तो तुझे किरदार तक पहुँचा सकते थे। लेकिन हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम खामोश हैं। हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा, ये मसला का जल्द से जल्द हल नहीं होगा तो हम भी बड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, मुसलमान लीडर हैं, उनका भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, अभी तक आना चाहिए। वो लोग भी क्या है मालूम है, हमारे जो लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर वो खामोश इख्तियार करने का ये नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी इतनी यहाँ पर कामयाबी पहुँची है। अगर 2002 के दंगों में अगर अमित शाह और मोदी को क्लीन चीट नहीं देते तो आज वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी की गलती है, ये गलती की सजा आज सारे पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिल रही है, चाहे वो हिंदू रहें, मुस्लिम रहें, दलित रहें, सिख रहें। आज ये महंगाई का जो बोझ है इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है, क्योंकि अपोजिशन में रहते हुए खामोशी इख्तियार करी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।